आज हम 5 senses की एक्टिविटी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जो चाहिए, एक आपको A4 साइज का पेपर या उससे A3 साइज का, तो A3 साइज का 5 senses के हिसाब से स्टिकर्स, 5 senses में क्या क्या एग्जांपल्स आप देंगे उनके स्टिकर्स, और चाहे तो आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हैं। आपको ग्लू चाहिए, सीजर चाहिए, स्केच पेन चाहिए और एक पेन चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 5 senses के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने पेपर लिया है A3 साइज, पेपर लिया है तो आप इसको ऐसे टर्न करेंगे और इसका मतलब 2 layers आनी चाहिए इसके। ठीक है, अब हम इसको सीजर से कट करेंगे। सेम 3 layers आनी चाहिए। और अगर आप डिफरेंट कलर के बनाना चाहते हैं, मतलब लाइक आपको एक लेयर किसी और कलर की चाहिए, तो आप वो पेस्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहे, मतलब जैसा आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये मेरा कट गया है, तो इस पर 3 layers आ जाएगी, ये वाली एंड ये वाली। तो हम इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक लेयर यहाँ पे काके यहाँ आपको पेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें ऐसे जैसे बुक्स खुलती है उसके तरीके से खुलना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको कट करके फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ये मैंने कट कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी इसे, जिससे कि ये लेयर्स की तरह खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ग्लू से पेस्ट करना है ग्लू से, तो मैं इसे पेस्ट करूंगी। आप चाहे तो डिफरेंट कलर का भी कर सकते हैं, जैसे ये लेयर दूसरे कलर की, अंदर वाली दूसरे कलर की, है ना, तो इस हिसाब से आप अलग अलग कलर। अब आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा देर सूखने के लिए रख देंगे, जस्ट 2 minutes। चाहे तो जैसे आपने ये लगाया है तो यहाँ पे भी एक लगा दीजिए, जिससे वो थोड़ा चिपक जाए, एक साथ लेयर में सब चिपके। बस तीनों अब आपका बिल्कुल चिपक जाएंगे। अब हम इसके फर्स्ट पेज को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ बुक, ये बुक की तरह हम बना रहे हैं। तो चाहे आप कितनी भी लेयर्स बना सकते हैं, आपके पास जितने स्टिकर्स हैं बच्चों के लिए वो बना सकते हैं, आप कितनी भी लेयर्स का इसे बना सकते हैं। तो ये मैं बुक स्टाइल में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा बुक थोड़ी डेकोरेट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो थोड़ा डेकोरेटिव होगा ना, तो बच्चों को भी थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। एक्टिविटीज में आप अपने बच्चों को भी इंक्लूड कीजिए, जिससे बच्चों के भी जैसे थोड़ा डेकोरेशन के लिए बच्चों को स्टिकर्स वगैरह वो कर सकती है। तो मैं भी ऐसी करती हूँ, लेट्स सी, मैं आपको पहले डेकोरेट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, स्टिकर्स हम बाद में चिपकाएंगे, पहले हम थोड़ा अंदर का काम कर लेते हैं। तो अब हमें 5 senses चाहिए, तो सबसे पहले हम इसे 5 हम देख लेंगे। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम इसकी लाइन्स खींचेंगे, बिकॉज हमें यहाँ कट करना है, तो इसलिए बराबर की लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया, कट हम देखिए दोनों पेजेस को करेंगे। अंदर बाहर का पेज इसलिए कट नहीं करेंगे क्योंकि 5 senses का, अंदर के पेजेस हम कट करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे अलग अलग पेज नहीं करना। तो अगर आपकी 3 layer हो तो 3 layer के हिसाब से, मतलब आपको बड़ी सी बुकलेट बनानी है, मैंने 2 pages की बुकलेट बनाई है, इसलिए मैंने 2 pages को ही कट किया है। अब हमने इसे कट कर दिया, अब हम इस पे पेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इस पे सबसे पहले हमारा senses कौन से होते हैं, जो हमारे स्टिकर्स ये 5 senses के काटे थे हमने,
वो हम स्टिक करेंगे इसको। सबसे पहले हमारा सेंस क्या होता है, आईज। व्हाट इज दिस आईज। अब है हमारा ईयर, कान। देन आपकी टंग। टंग हमारे फाइव सेंसेस में ही आती है ना। एंड लेग्स इज स्किन। हमारी फाइव सेंसेस कौन सी हुई, आईज, नोज। अब ऐसे जैसे बच्चे को आप एक्टिविटी करा रहे हैं, तो एक्टिविटी कराते कराते ही उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा काम, आईज से हम क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा फोल्ड कर देंगे जिससे कि इजीली। अब हम यहाँ पे आईज से हम, आपके पास जो भी एग्जांपल्स हो, मैं बोल रही हूँ ना, आप जैसे भी बुकलेट चाहे तो वैसे बना सकते हैं। मैंने एक ही एग्जाम, वैसे एक ही में मैं दो स्टिक कर दूंगी, लेकिन आप चाहे तो नेक्स्ट पेजेस करके तीन चार पेजेस की बुकलेट बच्चों के लिए बना सकते हैं, जैसा आपके लिए हो। और थोड़ा आप इसमें बच्चे को भी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे भी थोड़े से उस चीज को करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप पेस्टिंग करते रहिए। आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स है तो अलग अलग पेजेस के, जैसे मैंने एक पे दो पेज कर दिया, आपको चाहिए एक पे एक पेज करना तो आप एक पेज कर सकते। देख लीजिए, अब आप ऐसे पेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आईज के थ्रू हम क्या करते हैं, स्मेल मैंगो एंड रोज की जो स्मेल होती है, वी कैन। एंड ईयर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, वी कैन हियर द वॉइस। टंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेस्ट। एंड हैंड के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्किन के थ्रू हम क्या करते हैं, वी कैन टच द स्किन। मतलब लाइक जैसे बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है, वाटर वेट होता है, एंड जो बॉल होती है आपकी सॉफ्ट या हार्ड होती है, जैसा भी सरफेस होगा उसके थ्रू हम उसे फील कर सकते हैं। तो फीलिंग हम किसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू। तो इसी प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, फिर हम आपको फाइनल दिखाते हैं। और ये आप डेकोरेशन बच्चे को भी इसमें इंक्लूड कीजिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बहुत ही ईजी है फाइव सेंसेस। इसी के थ्रू बच्चे का क्या है, बच्चे बनाएंगे भी तो थोड़ा उनको फाइव सेंसेस बिल्कुल दिमाग में आ जाएंगे, और बिल्कुल एक्टिविटी को वो इजीली करेंगे भी, और उनको थोड़ा इंडल्ज भी आप रख सकते हैं। चलो डेकोरेट करो आप। कैसे डेकोरेट करोगे आप इसे, जैसे भी आपको डेकोरेट करना है वैसे। बच्चों की क्या होगी, क्रिएटिव स्किल्स भी इन्हांस होगी, है ना, बच्चों को मजा भी आएगा। कुछ बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना भी जरूरी है, जैसे कि बच्चे उस एक्टिविटी में खुद भी इंडल्ज हो, क्रिएटिव स्किल्स भी इन्हांस हो, इंडिपेंडेंटली काम भी करना सीखे। तो आप उनको फॉलो, मतलब लाइक आप उनकी हेल्प कर सकते हो, बट आप प्रॉपर तरीके से जैसे सीजर होल्डिंग वगैरह सब आप उनको खुद ही करने दीजिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ये डेकोरेट हो गया बच्चों के साथ से, मेरी जो वीडियो है कंप्लीट हो गया ये जो फाइव सेंसेस का है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप डेकोरेट करवा सकते हैं, देन मैंने इसकी बाउंड्रीज की है। बाउंड्रीज से क्या होता है कि ये जो मैंने सेंसेस है वो अलग से यूटिलाइज होगी। अगर आपका जैसे अगर आपने कटिंग की है, कटिंग के बाद जो आपके एजेस है कभी कभी बिल्कुल ठीक से नहीं होते हैं, लेकिन जब आप ये बाउंड्री स्केल से कर देंगे तो आपके एजेस भी अच्छे लगेंगे, अगर कुछ उगड़ खाबड़ है तो वो नहीं दिखेगी। तो ये सारा मैंने बाउंड्रीज कर दिया है, तो आप स्केल से बाउंड्री कर सकते हैं, लाइक डबल लाइनिंग कर सकते हैं। अब जैसे हमारी फाइव सेंसेस कौन कौन सी होती है, फाइव सेंसेस आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो आईज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी। What we can see?
प्रोमाइस, कुछ भी हम देख सकते हैं अपनी आईज से, चाहे वो काव हो, चाहे आपका टाइगर या कब हो, कुछ भी हम किससे देखते हैं, किससे देखते हैं, आईज से। तो आईज हमारी वन ऑफ द फाइव सेंसेस है। सेकंड जो हमारी फाइव सेंसेस में आती है नोज, NOSE नोज। इसमें आप बच्चों को स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स में और फाइव सेंसेस में, तो उनको क्लैरिटी होना जरूरी है कि फाइव सेंसेस जो होते तो इंक्लूड आपके बॉडी पार्ट्स में है, लेकिन ये सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम फील करते हैं, टच करते हैं, सुनते हैं एंड देखते हैं एंड स्मेल करते हैं। अच्छा, सेकेंड हमारा फाइव सेंसेस में है, दैट इज अ वट नोज। नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। जैसे मैंगो है, रोज है, इनकी स्मेल हमें किसके थ्रू आती है, किसके थ्रू आती है, नोज के थ्रू। ईयर के थ्रू व्हाट वी कैन डू, हियर, हियर यानी सुनना। तो क्या सुनते हैं, तो डॉगी की भौ भौ, चिड़िया जो आपकी स्पैरो होती है उसकी चर्पिंग, फ्लूट, ये सब म्यूजिक, ये हम किसके थ्रू सुनते हैं, ईयर के थ्रू। तो ये क्या है हमारा, वन ऑफ द सेंसेस। फोर्थ सेंस हमारा क्या है, टंग। टंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट करते हैं। टंग के थ्रू क्या करते पियो हम, टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, हम एप्पल, टी, बिटर, कुछ भी चीज कड़वी है, मीठी है, वो हम स्वीट है, सोर है, कुछ भी हमें किसके थ्रू पता लगेगा, टंग के थ्रू, ठीक है। एंड द लास्ट सेंस है हमारा, दैट इज अ स्किन सेंस। स्किन, स्किन होता है टच करना, टच करना। तो टच के थ्रू, स्किन के थ्रू हम क्या करते हैं, टचिंग करते हैं। जैसे बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है, वाटर वेट होता है, और जो बॉल होती है आपकी हार्ड होती है, तो ये किसके थ्रू पता रखता है, स्किन के थ्रू, तभी तो हम टच करके बता सकते हैं। तो ये फाइव सेंसेस है जो कि हमें बच्चों को याद करानी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।